नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक होनी थी और हो चुके हैं, बड़े बड़े फैसले आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में नई बंदिशें लागू हो चुकी है। जैसे कि पिछले कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें स्कूल से लेकर न्यूज़ आई थी कि जो स्कूल है, सारे जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें 26 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें ITI कॉलेज भी शामिल है, सिवाय मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे, बाकी सारे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे 26 जनवरी तक। तो उसमें सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हिमाचल प्रदेश के सारे स्कूल बंद रहेंगे 26 तारीख तक। तो उसके बाद आज फिर से हमारी सरकार ने कैबिनेट बैठक रखी थी, उसमें भी बड़े फैसले लिए गए हैं, बंदिशें लगाई गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कूलों में छुट्टियां तो हो गई, अब प्रश्न यह उठता है कि टीचर भी स्कूल में जाएंगे या ना जाएंगे, कितने दिन सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंदौर में 50 लोगों की अब संख्या रखी गई थी कि इंदौर में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, अब आउटडोर में भी नई बंदिशें लगा दी गई है। तो आइए, मैं आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। आइए मैं आपको विस्तार से बताऊं हिमाचल प्रदेश के टुडे डिसीजन कैबिनेट बैठक के। तो हिमाचल 50% कर्मचारी ही आएंगे कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, अब 50% ही कार्यालय में आएंगे सरकारी जो कर्मचारी है। 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर, तो 5 दिन ही खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर। आई मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या क्या बंदिशें लगाई गई है हमारे हिमाचल प्रदेश पे हमारी सरकार द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश में 50% सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, टीचर भी स्कूल जाएंगे 50% क्षमता के साथ। सरकारी दफ्तर 5 दिन ही खुलेंगे, तो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर। आपदा प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार से प्रदेश में 5 दिन का कार्य दिवस घोषित किया गया है। जो ये बंदिशें हैं वो कल से यानी कि सोमवार से लागू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी सरकार ने ये बंदिशें लगाई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सोमवार से यह व्यवस्था रहेगी। इंडोर होने वाले मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतर 100 लोगों को आने की अनुमति होगी। यानी कि जो इंडोर में कार्यक्रम होंगे, चाहे वो शादी के होंगे, कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे इंडोर में, तो 100 लोगों की ही अनुमति रहेगी। उसके बाद आउटडोर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 300 लोगों को आने की अनुमति होगी। यानी कि जो आउटडोर में कार्यक्रम होंगे, शादी समारोह होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनमें 300 लोग शामिल होंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि जो इंडोर में यानी कि जो अंदर होंगे कुछ भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें 100 लोग ही शामिल रहेंगे, और जो इंडोर में है कार्यक्रम होंगे वहाँ पर 300 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अपराध दिया जाएगा, उसे फाइन किया जाएगा। उसके बाद है, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सक्रिय मामले 3000 के करीब पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 जनवरी तक अपने सभी तक कार्य रद्द कर दिए गए हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं 15 जनवरी तक, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी नाइट कर्फ्यू लागू है। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है, रात के 10 बजे से 5 बजे तक। तो अभी वीकेंड कर्फ्यू पर भी निर्णय लिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के इस मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो सख्ती और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो और सख्ती से पालन किया जाएंगे और बंदिशें लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो कैबिनेट बैठक थी वो उसके न्यूज़ मैंने आपको बताई। अगर कोई इससे रिलेटेड और न्यूज़ आती है, कुछ स्कूल न्यूज़ आती है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी न्यूज़ बनाने से पहले छोटी मोटी जो न्यूज़ होती है वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।